इस विश्व कप में खेल रहे आखिरी मैच में भारत ने यहाँ पे नामीबिया को एक शानदार तरीके से शिकस्त दी है। 33 रनों का लक्ष्य यहाँ पे सामने रखा था नामीबिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसका बहुत आसानी से यहाँ पे भारत के बल्लेबाजों ने चेज करा, जिसमें शानदार तरीके से यहाँ पे रोहित शर्मा ने एक 50 लगाई। और ICC T20 विश्व कप में सोमवार को नामीबिया ने भारत को 133 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसको बहुत आसानी से यहाँ पे भारत के बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों की सदी हुई गेंदबाजी के कारण विरोधी टीम को बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने नहीं दिया। वहीं टीम की ओर से डेविड विजय ने 2 चौकों की मदद से 25 गेंदों में 26 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को 3-3 सफलता मिली। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए उत्तरी या नामीबिया की टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन ही जोड़े। इस दौरान माइकल वैन लिंगन ने 14, क्रेग विलियम्सन ने 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जल्द ही स्टीफन बॉर्ड का 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 21 गेंदों में 21 रन बनाकर जडेजा के शिकार बन गए। चौथे और पांचवें स्थान पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान गेरहार्ड इरास्मस और जॉन निकोल लैप्टिटन ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस बीच एटन 5 रन बनाकर अश्विन को अपने विकेट झोली में देकर चलते बने। छठे विकेट के लिए नंबर पर आए डेविड विज ने कप्तान इरास्मस के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट खेले, जिसमें 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टीम ने 51 रन बना डाले। इसके बाद दोनों ने मिलकर तेज गति से रन बनाना शुरू किया, लेकिन कप्तान इरास्मस 1 चौके की मदद से 20 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। सातवें स्थान पर बल्लेबाजी के लिए आए जेज स्मिथ और विजय ने पारी को संभाला और रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाया। इस बीच 15 ओवर में जडेजा की गेंद पर स्मिथ को 9 रन पर वापस भेजा। जल्द ही जैन ग्रीन 0 बनाकर आउट हो गए, लेकिन उस विजय और जैन फ्रैंकलिन की टीम ने स्कोर को 17 ओवर में 100 के पार पहुंचाया। आखिरी 2 ओवर में विजय और फ्रैंकलिन ने धीमी बल्लेबाजी की और विजय 26 रन बनाकर बुमराह गेंद पर आउट हुए। इसके बाद दोनों नाबाद फ्रैंकलिन और रूबेन ट्रम्पलन 3 रनों की बदौलत नामीबिया का स्कोर 8 विकेट पर 132 रन बनाया और 133 रनों का पीछा करने उतरी भारत की टीम की। यहाँ पे जो ओपनिंग जोड़ी है केएल राहुल और रोहित शर्मा की शानदार जोड़ी यहाँ पे देखने को मिली, और केएल राहुल ने यहाँ पे शानदार तरीके से मैच को खत्म किया और 133 रनों का आसान से लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों ने चेज कर लिया। इस पारी में रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए 37 गेंदों में, जिनमें 2 शानदार छक्के देखने को मिले, 7 चौके देखने को मिले। और वहीं इस मैच में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने बहुत ताबड़तोड़ यहाँ पे बल्लेबाजी करी और भारत को यह शानदार जीत दिलाई। वहीं भारत का आखिरी मैच था T20 वर्ल्ड कप का नामीबिया के साथ, जिसका लगातार तीसरी जीत यहां पे भारत ने हासिल करी इस मैच में। और एक और बार रोहित शर्मा ने इस मैच में 50 लगाई और हमारे स्पिनर जडेजा और अश्विन ने लगातार 3-3 विकेट अपनी झोली में करे।